गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम कुलदीप सिंह, योर कंप्यूटर टीचर। होप यू ऑल आर फाइन। इन लास्ट वीडियो आई डिस्क्राइब यू नेटवर्किंग स्विचिंग टेक्निक्स। टुडे आवर टॉपिक इज नेटवर्क कंपोनेंट्स। फर्स्टली आई विल टेल यू सम अबाउट इन अबाउट network components. What is now network components? Networking में जिन जिन components like as computers, cable, internet and some other devices like switch, repeater, etc. को use करते हैं network components कहलाते हैं। Here our first network component is switch. It contains different computers and devices on a computer network. A switch receives data, process it, and then forward it only to the destination device. It uses packet switching technique to transfer data on the network. Switch different computers or networking devices को जोड़ने का काम करता है। स्विच कैसे वर्क करता है? स्विच डेटा को रिसीव करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद डेस्टिनेशन कौन सा होगा हमारा, रिसीवर को फॉरवर्ड कर देता है। स्विच पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज करता है। पैकेट स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज करते हैं। In last video, I described you packet switching, circuit switching and message switching. Last video में मैंने आपको बताया था packet switching technique कैसे काम करती है। Packet switching technique data को small packets में divide कर लेती है और हर packet के साथ उसका source and destination address add होता है। Next, our network component is repeater. Repeater पढ़ने से पहले हम OSI model के बारे में थोड़ा verbally जानेंगे। OSI model क्या होता है और क्यों use किया जाता है? OSI model networking में use होने वाला हमारा एक model होता है जिसका नाम होता है Open System Interconnected Model. इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जब कोई डेटा ट्रांसफर करता है, कोई मैसेज भेजता है, तो उसका जो मैसेज है वो इन सात लेयर से होकर के जाता है। फर्स्ट आपकी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड सेशन लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी नेटवर्क लेयर, सिक्स डेटा लिंक लेयर और सेवन है आपकी फिजिकल लेयर। ऐसे ही हमारे रिसीवर की साइड भी आपको सेवन लेयर होंगी, लेकिन जब आपका सेंडर था तो उसकी फर्स्ट लेयर कौन सी थी? एप्लीकेशन लेयर, और लास्ट थी आपकी फिजिकल लेयर। लेकिन जब रिसीवर डेटा रिसीव करेगा तो उसके लिए फर्स्ट लेयर होगी आपकी फिजिकल लेयर और लास्ट होगी एप्लीकेशन लेयर। जब डेटा रिसीव करते हैं तो रिसीवर नीचे से उसको फिजिकल लेयर से रिसीव करके एप्लीकेशन लेयर तक लास्ट में पहुंचता है। OSI मॉडल के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में डीपली इसको स्टडी करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी जो आप इसको देख लीजिए कि इसमें सेवन लेयर होती हैं और ये क्या होता है, एक हमारा नेटवर्किंग मॉडल होता है जिससे कि हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इस मॉडल बेस पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सेवन लेयर में डिवाइडेड होती हैं और इसके द्वारा ही हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। Repeater are network devices operating at physical layer of the OSI model that amplify or regenerate an incoming signal before transmitting it. They are encrypted in networks to expand its coverage area. They are also known as signal boosters. रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो
ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर वर्क करती है। जैसा रिपीटर नेम से शो हो रहा है, रिपीटर मींस किसी चीज को रिपीट करना। नेम के अकॉर्डिंग रिपीटर क्या करता है, जो हमारे डेटा सिग्नल्स होते हैं, जो डेटा सिग्नल्स रिपीटर रिसीव करता है, उनको क्या करता है, एम्पलीफाई और रीजनरेट करता है। यानी कि जो हमारे सिग्नल, डेटा सिग्नल वीक हो चुके हैं, उनको वो उसको एम्पलीफाई करता है, उनको पावर देता है, जिससे कि वो सिग्नल अपने पावर बढ़ जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाते हैं। इससे हमारा डेटा लॉस नहीं होता। जब डेटा के सिग्नल्स लॉस होंगे, वीक हो जाएंगे सिग्नल्स, तो क्या होगा, हमारा डेटा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपीटर उसके सिग्नल्स को बूस्टअप करके डेटा को आगे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि रिपीटर डेटा के सिग्नल को बूस्टअप करता है, इसलिए इसका नाम, दूसरा नेम सिग्नल बूस्टर भी होता है। थर्ड कंपोनेंट्स इज हब्स। हब्स इज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। हब्स आर डिवाइस कॉमनली यूज्ड टू पोर्ट व्हेन ए पैकेट अराइव्स एट वन पॉइंट इट इज कॉपीड टू द अदर पोर्ट्स सो दैट ऑल सेगमेंट्स ऑफ लैन कैन सी ऑल पैकेट्स। हब्स एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट डिवाइसेस होती है जो कॉमनली दो लैन को कनेक्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं दो लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम हब कहते हैं। हब्स में मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। जब हब्स के एक पोर्ट द्वारा कोई पैकेट रिसीव किया जाता है, तो हब उसको सभी पोर्ट पर कॉपी कर देता है, जिससे हब से जुड़ी हुई सभी लैन नेटवर्क उस पैकेट को सीन कर लेते हैं या उस पैकेट को यूज कर लेते हैं, जिससे कि हम सारा डेटा रिसीव कर पाते हैं। और नेक्स्ट नेटवर्क कंपोनेंट इज राउटर। राउटर फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। डेटा सेंट थ्रू द इंटरनेट सच एज ए वेब पेज और ईमेल इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट। राउटर की वर्किंग क्या होती है, राउटर नेटवर्किंग डेटा ट्रैफिक को डायरेक्टिंग करता है, या मींस डेटा को कंट्रोल करता है। राउटर नेटवर्क वायर जो हमारे नेटवर्क सिग्नल्स होते हैं उनको द्वारा आने वाला डेटा को कंप्यूटर तक ले जाता है। राउटर कंप्यूटर द्वारा जो डेटा भेजा जाता है उस डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है और उसको आगे नेटवर्क इंटरनेट की हेल्प से रिसीवर को भेज देता है। एंड अदर हैंड रिसीवर साइड से जो पैकेट डेटा रिसीव करता है उसको डेटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को आगे ट्रांसफर कर देता है। राउटर में भी हब की तरह मल्टीपल पोर्ट होते हैं। राउटिंग टू प्रकार की होती है, फर्स्ट स्टैटिक राउटिंग एंड सेकंड डायनामिक राउटिंग। आवर नेक्स्ट नेटवर्क कंपोनेंट इज ब्रिज। ब्रिज वर्क एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, मींस ओएसआई मॉडल, कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ब्रिज आर सिमिलर टू रिपीटर्स एंड हब्स इन दैट दे ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी नोड। अगर हम सिंपल ब्रिज की बात करें तो ब्रिज क्या करता है, किन्हीं दो पॉइंटों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज, आप सभी जानते हैं ब्रिज क्या होता है,
किसी भी नदी को जैसे हम पार करने के लिए उसके ऊपर से फ्लाईओवर एक बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। सेम हियर, ब्रिज हमारा क्या होता है यहाँ पर, इन कंप्यूटर नेटवर्क ब्रिज दो अलग अलग नेटवर्क के बीच कनेक्ट करने और कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है। ब्रिज को हम दो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने और उसमें कम्युनिकेशन बातें करने में यूज करते हैं। ब्रिज ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर कौन सी होती है हमारी, सेंडर की साइड से सिक्स लेयर होती है, सिक्स लेयर डेटा लिंक लेयर होती है जिसमें हमारा ब्रिज वर्क करता है। ब्रिज रिपीटर और हब के जैसे ही होता है, जिनका कार्य, जिनकी वर्किंग कैसी होती है, डेटा को रिसीव करके, डेटा रिसीव कहाँ करते हैं, एक पोर्ट पर रिसीव करते हैं और सभी पोर्ट पर उसको कॉपी, डेटा को कॉपी कर देते हैं। ऐसे ही हमारी वर्किंग ब्रिज करता है। ब्रिज एक पॉइंट पर, एक पोर्ट पर डेटा को रिसीव करके सभी पोर्ट्स पर उसको कॉपी कर देता है। थैंक यू।